हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो कैसे हैं आप सभी? सो अभी सुबह के 10 o'clock होने वाला है और आज का जो शिफ्ट है हमारा गाइस वो 11 o'clock है। जी हाँ गाइस, सही सुना आपने। लाइक मैं हमेशा बोल रहा था कि मुझे मॉर्निंग शिफ्ट नहीं करना, बट एक्चुअली आज मॉर्निंग शिफ्ट ना करने का भी कारण कुछ और था। लाइक निकू जी को आज शाम को कहीं जाना था तो उसने बोला कि यार मैं उसकी जगह शिफ्ट कर लूँ और वो मेरी शिफ्ट करेगा, तो उसके चक्कर में मुझे चेंज करना पड़ा। मतलब कि ये जो 11 o'clock वाली शिफ्ट है वो बहुत लॉन्ग टाइम के लिए नहीं है मेरे लिए, आई थिंक आज ही भर के लिए। फिर से कल जो होगा ना फिर मॉर्निंग शिफ्ट मेरा शुरू हो जाएगा, बट कंफर्म नहीं है। लाइक निकू जी के ऊपर है, वो अगर मॉर्निंग शिफ्ट करने से कंफर्टेबल है तो हम लोग उसी के साथ जाएंगे, मतलब कि मैं करूँगा 11 o'clock शिफ्ट, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइज। बट चलो कोई नहीं, आज वीकेंड है गाइज एंड आपको पता है कि यार वीकेंड हमारा कैसा रश टाइप जाता है। मतलब कि पिछले वीकेंड आप लोगों ने देख ही लिया था, बट जो वीकडेज थे गाइज उस वीकडेज में हमें कुछ भी ऑर्डर जल्दी नहीं मिला था, और खासकर कल तो गाइज मतलब गिनती के 4 या 5 ही ऑर्डर आए हुए, तो मतलब कि लिटरली यार अजीब सीन था। बट लेट्स सी आज क्या सीन होता है। आज सैटरडे है गाइज एंड देखते हैं सैटरडे को कैसा होता है, क्योंकि पिछले वीकेंड में हमें बहुत अच्छा खासा सेल मिला था। अब पिछले वीकेंड टाइप इस वीकेंड में भी हमें सेल मिलता है कि नहीं वो आज हमें पता लगेगा। तो चलो यार बिना किसी देरी के हम लोग चलते हैं, अभी फटाफट हम लोग लंच करेंगे एंड उसके बाद हम लोग सीधा लंच बॉक्स लेकर निकल जाएंगे। तो अभी आज का मौसम भी आप देख सकते हो गाइज बहुत ही मस्त मौसम है, बस बारिश ना हो यार क्योंकि मुझे बारिश अभी बिल्कुल पसंद नहीं है। तो चलो कोई नहीं, ज़्यादा बकवास नहीं करते और निकलते हैं अपने लंच करने के लिए और मिलते हैं आपको अपने स्टॉल पे गाइस। फाइनली हम लोग स्टोर पे पहुंच चुके हैं अपने स्टॉल पे और निकू जी यहाँ पे आके माथा मारी पहले से कर रहा है, आप लोग देख सकते हो। आज इसके साथ बहुत बड़े कांड हुए हैं एक्चुअली, क्योंकि आज इसका सीन ये था कि नाइट में जो भी क्लोजिंग हुआ बहुत अच्छे से क्लोजिंग नहीं हुआ था। लाइक अकाउंटिंग का जो भी टैली का अकाउंट काम होता है वो सब चीज़ गलत हुआ था, पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा मतलब लाइक ऐसा हुआ था कि हमारे पास 10K नोट आई थिंक 80 समथिंग कितने थे ठीक है जो भी थे अकाउंटिंग का, लेकिन नाइट शिफ्ट वालों ने जितने हमारे पास नोट थे उससे अधिक गिन दिया था। तो हमें मॉर्निंग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, मुझे तो नहीं हुआ, मैं तो आराम बिंदास होकर आ रहा था। जो भी प्रॉब्लम था वो निकुंज का था, लेकिन अभी वो सब सॉल्व करके देख सकते हो कितना आराम से बैठा हुआ है गाइस। एक्चुअली आराम से नहीं बैठा, इसकी लगी पड़ी है, सुबह से पका रहा है मेरे को भी। सो बाकी चलो देखते हैं आज का क्या सीन है, क्योंकि अभी इतना कुछ भीड़ भाड़ा तो है नहीं, आज सैटरडे है, आज उम्मीद तो है कि आज सेल होगा, आज हम लोग खाली तो नहीं बैठने वाले गाइस, तो मेरी उम्मीद यही है। लेट्स सी, क्योंकि अभी तो मॉर्निंग टाइम है तो उतना ज़्यादा भीड़ नहीं, बट लाइक 1 o'clock के बाद थोड़ा भीड़ बढ़ेगा, तो देखते हैं 1 o'clock के बाद का क्या सीन है। अभी तो हम भी चिल करते हैं और देखते हैं क्या सीन है, क्योंकि साफ़ सफाई सारा हो चुका है, निकुंज ने सारे साफ़ सफाई कर दिया, जो कि स्टॉक आने वाला था वो भी सब चीज़ इसने रख दिया। तो जो भी अभी काम है गाइज वो 1 o'clock के बाद स्टार्ट होगा, तो लेट्स सी क्या सीन है, 1 o'clock के बाद ही पता लगेगा गाइज।
फाइनली 4 o'clock होने वाला है और लिटरली यार आज इतना ज्यादा रस है कि मैं क्या ही बोलूँ। मतलब कि मैंने सोचा था लंच टाइम पे 2 o'clock लंच करने का, बट लंच हुआ नहीं। बाकी इसको देख सकते हो, ये बंदा एक अलग ही स्वैग में, मतलब अर्जुन कुछ आज काम नहीं कर रहा है और अपने ही स्वैग को मतलब कब से ऑर्डर दिए जा रहे हैं। क्योटी से अलग ही दिमाग खराब किया, लाइक लिटरली गाइस अभी जो रश हुआ ना 2 o'clock के बाद कि हमें अपना लंच का प्लान भी कैंसिल करना पड़ा। निकुंज को देख सकते हो आज, मतलब कि नेट की वजह से इसकी लगी पड़ी है। बंदा क्या कर रहा है किसी को कुछ नहीं पता है। एंड ये देखो अर्जुन, ये बंदा अलग ही मूड में, मतलब क्या ही बोले इतना। और ये देखो गाइस, ये अरे यहाँ पे इसका अलग ही सीन चल रहा है। और ये मोटा, ये लड़का अलग ही सीन से तेज कर ही रहा है। सो गाइस काम की वजह से सबका मूड बिगड़ा हुआ है, लाइक ना किसी ने नाश्ता किया ना कुछ, मतलब सब इधर से उधर पड़ रहे हैं। क्या नेट का भी प्रॉब्लम था, हमारी बिलिंग नहीं हो पा रही। सेकंड चीज, हमारी मशीन की वजह से अच्छे से हम कैंडी भी नहीं बना पा, लाइक जिस मारिस बनाता है वो पूरा कैंडी स्टिक मशीन पे चला है। सो अकेले मेरे को कैंडी सर्दी का मुझको देने बात करो भाई, उंगलियां बिल्कुल खत्म हो गए। ऊपर से देख रहे हो, देख कैसे चिल्ला रहे हो, देख देख रहे हो इसका अलग ही सीन है, मतलब सब लोग लड़ रहे हैं। तो चलो कोई नहीं, लेट्स सी क्या है आज का सीन। खाने का टाइम छुट्टी मांग रहा है कंप्यूटर में, क्या करूं। लंच जब करते हैं तब गाइस मिलते हैं, उससे पहले जो भी काम होगा देखते हैं क्या सीन ऑर्डर आते हैं। अभी तो थोड़ा शांत है, बाद में देखते हैं क्या सीन है गाइस।
सो गाइस फाइनली नाइट के 8:30 होने वाला है और यार लिटरली आज जितना ज़्यादा काम था ना कि मैं क्या ही बताऊँ, मतलब ऑर्डर पे ऑर्डर आए जा रहा था। आज हमने कंप्लीट लाइक 110 तक हमने ऑर्डर कंप्लीट किया, 110 से प्लस ही ऑर्डर है एंड हमारा आज का पेमेंट लाइक मोर देन 16,000 से कुछ अबव हुआ है। लिटरली आज का प्रॉफिट एंड सेल और काम इतना सारा गाइस की मूड की माँ बहने को गई है, सच बता रहा हूँ गाइस। एक तो ढेरों सारे ऑर्डर, ऊपर से हमारे मशीन इंटरनेट सब कुछ खराब चल रहा था। लाइक लिटरली इतना ज़्यादा टेंशन हो रहा था लाइक ना तो प्रिंटर मशीन काम कर रहा था, ना ही इंटरनेट काम कर रहा था, लाइक कुछ भी काम नहीं कर रहा था, मतलब पूरा मूड ऑफ हो पड़ा था। सोचा क्यों अभी दिमाग का माथा मारी कर, मेरा और आधे घंटे का शिफ्ट है गाइस। तो जाते जाते अर्जुन ने हमें कुरकुरे दिया गया, लेट्स सी, हम वेट करते हैं, खाते होते हैं, खाने के बाद लाइक आधे घंटे में हम यहाँ से निकलेंगे। बाकी हरीश को देख सकते हो, ये बंदा ऐसे पड़ा हुआ है जैसे पूछो मत। तो आज इसका व्रत है और व्रत के चक्कर में बेचारा कुछ खा भी नहीं रहा, देख रहे हो इस कोने में कैसे पड़ा हुआ है। और अर्जुन हमारा ऑर्डर लेते हुए, मतलब कि अभी भी ऑर्डर आया जा रहा है, इतने सारे ऑर्डर आ रहे हैं कि हम क्या ही बोले, मतलब ऑर्डर पे ऑर्डर आया जा रहा है। तो लिटरली आज का सा एक सीन है, बट चलो कोई नहीं यार, ज्यादा वीडियो को बड़ा करने से अच्छा है कि हम थोड़ा ब्लॉग को आज यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि मेरा मूड भी बहुत ज्यादा ऑफ रहा गाइस, क्योंकि यार इतना ज्यादा काम, ऊपर से हर चीज खराब हो रहा था ना गाइस, क्या ही बताऊं, मतलब मशीन तक आज खराब हो गया था। आज फिर से हमें एक मशीन पे काम करना पड़ा था आधे टाइम को, इसीलिए मूड की माँ बहने को हुई। और चलो कोई नहीं, गुस्सा ये सब होता रहता है काम की वजह से, बट अभी क्या है कि मैं ब्लॉग को यहीं पे एंड करता हूं, क्योंकि आधे घंटे बाद मैसेज पे निकलूंगा, बाकी ऊपर से बारिश आ रही सब आ रहा है, तो ब्लॉग शूट भी नहीं होगा। तो चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, सो बाय गाइस, गुड नाइट, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।